म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के शोरूम में आज पहली बार आया और यहाँ पर मैं वो चीज़ खरीदूंगा जो मेरा बचपन का शौक था, उस टाइम पर खरीद नहीं पाया, घर की हालत ऐसी थी। तो आज मैं आप लोगों को वो खरीद कर आप लोगों को दिखाऊंगा और बहुत खुश हूँ आज मैं वो चीज़ खरीदने वाला हूँ। मैं हाय, आई एम डेविड एंड यू आर वॉचिंग DW बॉल भारत व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज जो मेरे बचपन का पहला शौक चढ़ा ना कि हाँ यार काश ये चीज मेरे पास होता, वो क्या चीज है? कोई आइडिया लगा सकता है, कोई गेस कर सकता है कि ये क्या चीज मेरे हाथ में? आज मैंने जब मैं खटीमा में गया तो अचानक ही वो दुकान देखा और पॉकेट में उतने पैसे थे तो लगभग 1000-1200 रुपये मैंने ये ले लिया। और ये बचपन का शौक था। और क्या है क्या नहीं है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ पूरा इसका डेमो करके। तो भाई चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को नई नई जगह, नई चीज़ें, नए लोग, गांव से लेकर देश, और हो सके अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो विदेश तक जाने, आप मतलब जहाँ मैं जाऊँ आप लोग को वहाँ मैं घुमाऊँगा। सिखाते भी क्या? हाँ, गिटार सिखाते हैं। और ये ढोलक वोलक? ये भी सिखाते हैं। शाम को दो क्लास। क्लास यही होती कहीं और? बगल में है क्लास। तो भाई आज ये मैं ले आया और ये क्या है, दिखने में तो काफ़ी सॉलिड लगा, चॉकलेट टाइप का। और ये चीज़ मेरा ना बचपन का शौक था, किसी के हाथ में देखा था। और उस टाइम पे गरीबी तो ऐसी थी कि घर पे खाने के लिए तक पैसे नहीं होते थे, तो इसको खरीदना, ऐसी चीज़ को खरीदना तो बहुत दूर की बात है। तो उस टाइम पे लगता था काश मैं खरीद लेता ये चीज़। तो सोचिए बचपन की बात है, इतना बड़ा होने के बाद आज मैंने फर्स्ट टाइम मेरे हाथों में मैं खुद इसको खरीद के लाया और आप लोग के सामने ट्राई कर लेता हूँ। तो भाई ये है, ओपन कर दिया, ये इसका मैनुअल और ये इनसाइड से, और भाई डब्बे के अंदर ये है। और ये क्या बोलते हैं पता, कई लोगों को पता होगा और कई लोगों को नहीं पता, इसको बोलते हैं माउथ ऑर्गन। मैं म्यूजिशियन तो हूँ नहीं, ना कोई मैंने कोई ट्रेनिंग ली है म्यूज़िक की, और बस मैंने किसी के हाथों में देखा था और उस टाइम पे वो ऐसे माउथ ऑर्गन, मुंह से बजाते हैं इसको सांसों से, तो बड़ा अच्छा लगा। आज मैंने ख़रीदा और 1000 रुपये का आया खटीमा शोरूम से। तो मैं आप लोग पे एक बार इसका डेमो क्या देख लेते हैं, सुन लीजिए आप लोग भी देख लीजिए। बहुत मजा आ रहा है यार, रियली। कहते हैं ना इंतजार जो होता है ना, समय, समय सबका आता है, करना क्या होता है, समय का इंतजार। तो मैं हमेशा यही कहता हूं और मैंने भी यही सीखा अपने माता पिता से, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्म करते जाता ना आदमी, एक ना दिन वो दिन, एक ना एक दिन वो टाइम, वो समय, वो चीजें आ जाती है। हालांकि उम्मीद जो होता है ना, कभी संसार में कोई भी चीज़ का पूरा नहीं होता है, लेकिन कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, ये तो यार ले ही सकते हैं। तो भाई आज मैं बहुत खुश हूँ माउथ ऑर्गन लेकर। हालांकि मेरे ये जस्ट शौक के तौर पे, मेरे को कोई बजाना नहीं आता, ना मैंने कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग ली कुछ भी। तो भाई आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, किसी को अगर ये इस टाइप की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं आप लोग को वो जगह, उनका डिटेल सब कुछ दे दूंगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी विल मीट योर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।